हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्सटाइल अनामिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मैं आज सेल्फ लव मस्ती टाइम, मतलब मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, घर का काम करके, यूट्यूब का काम करके, ऐसे तो मेरा मन होता है कि मैं मंथ में 15 डेज पे, मंथ में 2 दिन मैं जाती हूँ ऐसे, मैं और मेरा बेटा ऐसे पूरे दिन, अपना पूरे दिन तो नहीं, अभी 4 बज रहे हैं, तो मस्ती करते हैं और थोड़ा देर जाके मंदिर में बैठते हैं, क्योंकि मतलब मंदिर में जाके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जब माइंड थक जाता है। फ़न करती हूँ मैं और मेरा बेटा मिलके। आप लोग भी कर सकते हो ऐसे, क्योंकि खुद से प्यार करना चाहिए, खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि हम सबके लिए तो टाइम निकालें लेकिन खुद से तो थोड़ा भी प्यार नहीं किए। तो पछताना नहीं है खुद के लिए। आप 15 डेज में 14 दिन आप सबके लिए टाइम निकालो, 1 दिन आप अपने पसंद का खाना बनाओ, अपने पसंद के जगह पे घूमो, अपने पसंद का जो भी मतलब आपको मन हो रहा है वो चीज़ करो। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो चलिए मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। वैसे दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, मैं बेटा रेडी हो रहा है, मैं भी जल्दी से बाल कर ले रही हूँ, यही पहन के जाऊँगी मैं। क्या यहीं से कर लो? मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ मस्ती करने। आप लोग कैसे एंजॉय करते हो वो भी बताना। और मेरे हस्बैंड तो इंस्टीट्यूट पे है, वैसे उनके साथ भी संडे को जाती हूँ, लेकिन मैं ऐसे बेटे के साथ, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा बेटा है, उसके साथ भी मैं जाती हूँ। तो आज उसके साथ जा रही हूँ, वो आगे आगे जा रहा है। चलिए वहाँ पहुँच के, रास्ते में तो पॉसिबल नहीं है, मास्क लगाऊंगी। गाइज यहाँ पे हम मंदिर पहुँच चुके हैं और मेरा बेटा कह रहा है ये लड्डू ले लो, पूजा की थाली ले रही थी यहाँ पे मैं। मास्क खोलो। यहाँ पे मंदिर में पंडित जी पूजा करवा रहे थे और मैं अपने बेटे को हमेशा जो जो मैं करती हूँ उस साथ में रखती हूँ, क्योंकि ऐसा है भगवान में आस्था थोड़ा इन लोग को होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो भगवान से पता नहीं कितना दूर रहेंगे जब हम लोग डेली इतना नहीं कर पाते हैं। तो इन लोग को तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा मत सिखाओ, लेकिन इतना सिखाओ कि एक बार नहा धो के भगवान के सामने हाथ जोड़ना है, एंड जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो वहाँ पे ले जाया करो, ताकि वो सब चीज़ें सीखे और बाद में उस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि हम लोग की मम्मी सब जो है ऐसे ही करवा रखी हैं, तब हम लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा बच्चा जो है, जो जो हम करेंगे वैसे ही हमारा बच्चा, जो आदतें अच्छी आदतें हैं तो बच्चे सीखते हैं, जो बुरी आदतें हैं। तो देखिए यहाँ मंदिर पे आके कैसा लगा? शंकर रुको, जी रुको। मतलब शिवलिंग पे कैसा और लगा गौरी मंदिर माता आके? दोनों का कितना अच्छा हाँ, से लगा रखे मन हैं। को शांति मिल गई। अब जा रहे हैं हम लोग बाहर। गाइज हम आए हैं सेक्टर 18 मार्केट नोएडा। अच्छा, अभी कहाँ जाएंगे आप? अभी कहाँ जाएंगे? अभी मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। अच्छा, आपको क्या खाना है? बर्गर। बर्गर खाना है? हाँ। अच्छा, मेरे बेटे को बर्गर खाना है, तो अभी हम जाएंगे मैकडी में। उससे पहले मुझे क्या खाना है, मुझे पसंद है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो अभी हल्दीराम में जाएंगे, फिर उसके बाद बर्गर खाएगा मेरा बेटा, है ना, मैकडी में जाके। यहाँ मैं हल्दीराम में गई थी, 18 इधर नोएडा है, वहाँ सेक्टर 18 है वहाँ पे। तो मुझे यहाँ की ना राज कचौड़ी, दही भल्ले और गोलगप्पे ये सब बहुत ज़्यादा। मैंने
देखने से कितना अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग ज़रूर वहाँ पे जाकर ट्राई करो अगर जिसे पसंद है तो। यहाँ पे मैं भी खा रही थी और मैं अपने बेटे को भी खिला रही थी, क्योंकि वो पता नहीं क्या इन सब चीज़ों में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है खाने में, और मेरा मन रहता है कि हर चीज़ खाए। अकेला बच्चा रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, वही हाल इसका है। एक दो बच्चे रहते हैं, एक दूसरे को देख के खाते हैं, सीखते हैं। और आराम से देख के यहाँ लीजिए। पे हंस रही थी, उसको बहुत जल्दी थी कि मैगडी में चलो बर्गर खाता है आराम से, पिज्जा ये सब पसंद है, ये सब ये लड़का कैप पहन के नहीं आया है, टोपी चोपा। मेरे को ठंडी नहीं लगता। हाँ, घर जाके खांसी होगा तब पता पड़ेगा। अरे नहीं होगा, हो सकता है। बहुत तेज हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कूल कूल क्यों नहीं बैठ रहे थे? यहाँ पे लिखा है ना सेफ्टी, प्लीज लीव दिस सीट एम्प्टी। कोई बैठ, चलो जैसा तुम्हारा वैसा ही कर लेता हूँ। क्या कह रहा है? कह रहा था कि उधर नहीं बैठना है, तो नहीं बैठा। अच्छा, एंड यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे बर्गर का वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑर्डर दे रखी थी, आने वाला था, लेट हो गए थे हम। और इसका ट्यूशन रहता है, आती है मैम पढ़ाने, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि पैक करा लूँ, ये घर पे खा ले, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, बट यहाँ पे लेट हो गया तो फिर ट्यूशन छूट जाएगा। पढ़ाई तो छूटनी नहीं चाहिए, वैसे ही कोविड की वजह से इतना पढ़ाई शिक्षा जो है बहुत पीछे चला गया है। तो यही मैं जा रही थी यहाँ से पैक करवा के। और एंड इधर थोड़ा सा गोलगप्पे का वो दिखाई दिया मुझे, तो मैं सोची थोड़ा सा गोलगप्पा भी खा लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा डे है। एवरी डे तो नहीं खाती, लेकिन कभी कभी खा लेती हूँ। और गोलगप्पे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों को गोलगप्पे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। मोस्टली लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लड़के भी खाते रहते हैं। वैसे और भी मैं इंजॉय करती हूँ, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो और भी दिखाऊंगी। आज के दिन जल्दी आ गई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था, और मेरा बेटा कैप पहन के नहीं गया था, ऊपर से ट्यूशन था, तो इस वजह से। अगर ये वीडियो सो बहुत गाइस, ज़्यादा ये आप थी लोग को आज की पसंद आई तो वीडियो। और भी मैं आई होप आप बनाऊंगी लोग इस को तरह पसंद की। आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड फ्रेंड फैमिली में शेयर कर देना। एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कैसे एंजॉय करते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।